जो लोग मुझसे पूछते हैं कि दूध के धंधे में कमाई कैसी है, उनको बस दो ही लाइनें बोलना चाहूंगा कि अगर भाई तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो फिर समझ लो दूध के धंधे में कमाई अच्छी है, वरना यह धंधा ऐसा है कि इसमें टापरे बिकने में टाइम नहीं लगता। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एंडर ब्लॉग। तो अभी भोर के बज रहे हैं 4:30 और अभी जा रहा हूँ इन सबको सानी पानी करने। देख सकते हैं अभी अंधेरा ही अंधेरा है एकदम, जो कि भोर के बज चुके हैं 4:30 और यहाँ पे सब बैठी हुई हैं और ये खड़ी हुई है इसे, और मैं जस्ट अभी सोकर उठा हूँ और देख रहा हूँ तो इन सबको जा रहा हूँ सानी पानी करने। मेरी आवाज़ से पता लग सकता है कि मैं अभी यश सोकर उठा हूँ। खरी भी लाती हैं और दोबारा भूसा लाती हैं, वैसा सब खड़ी हैं तो अब फटाक से इनको सानी दे देते हैं क्योंकि इनका दूध भी निकलना रहता है सुबह में, तो इनको सानी देते हैं फिर उसके बाद इनका दूध निकालेंगे 7 बजे। अभी बज चुके हैं 4:30 से ऊपर, जो 4:50 10:05 बज जाएगा। उनको सानी पानी तो दे देते हैं सुबह 4:30 बजे और अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और अभी जा रहा हूँ इन सबका दूध निकालने। मेरे हाथ में खड़ी है और ये सब सानी पानी अपना खाकर खड़ी है एकदम, तो खड़ी ना से दूध निकालते हैं। सबका दूध निकाल चुके हैं सभी गायों का और अब जा रहे हैं खड़पा धोने और गायों को धोने, और पाइप ला दिए हैं, अब जा रहे हैं पानी चालू करने। चालू हुई है, बस मुझे नीचे से वो हैंडल उठाना है और पानी आ जाएगा वहाँ पे। तो पानी भी शुरू हो चुका है और मेरा पाइप जो है फट चुका है, तो ये जो है ना फट चुका है और बहुत तेज प्रेशर मार रहे हैं यहाँ से। बाकी वहाँ पे भी पानी आ चुका है और यहाँ से पानी चालू है ऊपर जा रहा है टंकी में, तो सब कुछ रेडी हो चुका है और फटाक से बस नीचे का काम कर लेते हैं। तो उसके लिए मोबाइल मेरे को रखना पड़ेगा जेब में, नहीं तो मोबाइल भी भींग जाएगी। तो गाइस, इन सब का दूध भी निकाल लिए और इन सबको मतलब धोए नहीं है, बस नीचे का खड़पा धो दिए हैं, तो नीचे का खड़पा धोआ गया है और उस बच्चे को सानी में लगा दिए हैं जो कि खा रही है। और बाकी अब हम जा रहे हैं नहाने, नहाकर जाएंगे मंदिर, फिर मंदिर से आकर देखते हैं क्या करते हैं, मतलब क्रिकेट खेलने वाले हैं हम लोग, तो क्रिकेट खेलेंगे। और आज ग्राउंड नहीं है क्योंकि आज संडे है, तो हफ्ते में एक दिन रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मतलब कंटिन्यू दौड़ना अच्छी बात नहीं है, एक दिन बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी रहता है। तो आज नहीं गए ग्राउंड और अभी चलते हैं नहाकर मंदिर। तो लाइट ऑन है ना, लाइट सारी इसको ऑफ करते हैं और फैन ऑन कर देते हैं ताकि ये सुखा जाएगा। तो अब चलते हैं, हम भी नहा लेते हैं। तो इन लोगों का सुबह का काम हो चुका है ख़त्म, अब आएगा शाम में। हम नहा लिए हैं और चेंज कपड़ा भी चेंज कर लिया, तो अब चल रहे हैं मंदिर और मंदिर दर्शन कर आएंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। दर्शन कर आ चुके हैं मंदिर से और बाकी ये दोनों जो गाय हैं ना आपस में लड़ रही हैं, और बाकी सब वो दो ठो बैठी हैं और 4 खड़ी हैं, मतलब 5 ठो, 2, 2, 4, 1, 5 गाय खड़ी हैं, बाकी 2 बैठी हैं और वो दोनों आपस में ही लड़ रही हैं। तो हम दर्शन कर आ चुके हैं मंदिर, बाकी उधर सब मैच खेल रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो उनका मतलब तो उनका मैच चलते हैं देखते हैं, और हम लोग का मैच होगा 12 या 1 बजे। और सुबह का मौसम कुछ इस तरह है एकदम। पहला छक्का, ए या तो पहला फिर छक्का होगल की कहे छे, अरे अरे कुछ ना पे करिया तू फेंक, हाँ ठीक ले कैच शाम के बज चुके हैं 4 और बारिश भी बाहर बहुत तेज हो रही है, बारिश तो मतलब आधे घंटे से ही हो रही है, लेकिन टाइम हो चुके हैं 4:30 और अभी जा रहे हैं इन सबको सानी पानी देने शाम का। सुबह में भी देते तो सेम काम अब शाम में भी रहेगा, और उसमें जा रहे हैं खरी लाने और इस गायों को यहाँ पे लगाएंगे ताकि हम आराम से सानी पानी दे पाने, तो सानी देंगे तो ये खाने के लिए जिद करेगी, तो पहले इस गायों को यहाँ पे बांधते हैं फिर खरी लाते हैं फिर उसको सोना देते हैं। और जैसे कि देख सकते हो पघा अपना काट रहे अपने दांतों से, उसको लग चुका है चपक कर वो, मतलब ये लोग भी चलाक होती हैं। तो शाम का मौसम कुछ इस तरह है, जो कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, और अब हम जा रहे हैं खरी लाने और हमारी बाइक जो है एकदम धुल चुकी है बारिश की वजह से, और अच्छी बात है मेरे लिए कि धोना नहीं पड़ेगा। तो ये रहा खरी का डब्बा और इसमें से निकालते हैं खरी, फिर ले जाकर सौनते हैं मतलब सानी पानी देते हैं गायों को, और ये खरी है अपना मस्त सानी खा रही हैं और इन सबको सानी पानी दे दिए हैं, बाकी उधर भी सब खा रही हैं बस उस बच्चे को छोड़कर। और अभी शाम के बज चुके हैं 4:30, तो अभी 1.5 घंटे का टाइम है मेरे पास, 6:30 बजे इन सबका दूध निकालता हूँ, तभी देखते हैं 1.5 घंटा क्या करते हैं।
जब दूध निकाल लूँगा और इन सबको अलग अलग बांध दूँगा, बाकी नीचे का खड़पा दे दूँगा ना, तो इसको भी दूँगा। अभी इसको नहीं दिए हैं, बाकी सबको दे दिए हैं। शाम का काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी शाम का काम स्टार्ट हुआ है। ये पिच पूरा हो चुका है गीला और बारिश ने कहा कि तुम लोग को क्रिकेट नहीं खेलने देंगे हम एक बार फिर से। लेकिन जो कि सुबह हो चुका था इस पर क्रिकेट, और हमारी गाय माता भी इस पर थोड़ा हम लोग का मतलब भगवान जी का साथ देते हुए, क्योंकि जो पिच है ना गीला हो चुका है। और इस पर देख सकते हैं गायों का खुर, जो नीचे का उनका पाव है ना बहुत कड़ा होता है, सो खन दिए हैं। बाकी इस पर लगता है अगर आज मौसम अभी भी बना हुआ है, अगर रात में चपक कर बारिश होती है तो फिर गया ये 10-15 दिन के लिए, अगर नहीं होगी तो 2-3 दिन के लिए गया, फिर हम लोग बना देंगे। लेकिन गाय माता थोड़ा इस पर नहीं चलेंगी तब बना पाएंगे अच्छे से, बाकी नहीं तो खाना आ जाएगा पूरा। पीछे अंकित है, बाकी मौसम काफ़ी मस्त है लेकिन क्रिकेट हो नहीं रहा है। और आज संडे था क्योंकि हर संडे को मतलब कहीं ना कहीं सब क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम लोग का उल्टा ही चल रहा है, डेली क्रिकेट खेल रहे हैं और संडे को क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों। शाम के बज चुके हैं 6 और अब जा रहा हूँ इन सबका दूध निकालने। और ये गाय बैठी है खाकर, तो इसको उठाते हैं। ओए उठो, तो ये गाय उठ चुकी है, अब चलते हैं इन सबका दूध निकाल लेते हैं। इन सबका दूध निकाल लिए हैं और नीचे का खड़पा भी दूध दिए हैं। तो बस आज का हो चुका है काम ख़त्म, क्योंकि सुबह में 4 बजे उठे थे, सानी पानी लगाए, दूध निकाले, फिर इन लोग को धोए, फिर उसके बाद खड़पा धोए, और क्रिकेट बच्चे खेल रहे थे जो कि हम लोग तो नहीं खेल पाए। हम लोग खेलने गए तो बारिश हो गया इसलिए क्रिकेट नहीं खेल पाया। छोटे बच्चों का गेम सुबह में था तो वो लोग खेल लिए, और शाम का भी काम आ गया तो शाम में सेम जो सुबह में किए थे उसी तरह शाम में भी किए, लेकिन शाम में थोड़ा अलग था जिससे कि क्या बताऊँ। तो इन लोगों का हो चुका है काम ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया लाइक करें, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।